ब्राउनी पक्का आ जा, बना रहा बना, आ जा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, देखिए आप सब ठीक हो भैया, हम भी ठीक है। कैरावन बनाने का दिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, क्योंकि भाई देखो टाइम लगता है, अच्छे काम करने में टाइम लगता ही है। तो आज हमारा जो काम है, हमने कल करा था जो कि ये वाली वॉल हमने रेडी कर ली थी ऊपर से लेके नीचे तक। अब इस चीज को हमने क्यों हटा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ना रूफ को हटा दिया है, क्योंकि जो पैनल हमने इससे पहले यूज किए थे बेसिकली वो पहले थीम थी इसकी व्हाइट और ग्रे, बट वो कुछ इतनी खास नहीं लग रही थी। और मतलब जब हमने ये लगाया तो क्या होता है कि जैसे चल रहे थे तो इल्यूजन होता है, तो वो पता है सिर में दर्द करने वाली चीज थी। और सेकंड चीज थी कि भाई इन पैनलों के साथ वो वाले पैनल जा नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने इनको हटा दिया है। अब देखो यही होता है जब आप सीखतड़ काम करते हो, वो कूलर हवा यहाँ कर दे रहा है, तो यही होता है जब आपके साथ जब आप सीखते हो और करते हो। फिर अब हमने सोचा है कि इसकी जगह हम दूसरे पैनल यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो पैनल यूज किए ये एकदम से फिक्स हो चुके हैं। वाओ सच से गिरी है, ये भी फिक्स हो चुका है, इधर का भी फिक्स हो चुका है। अब जो माइनर हमें फिनिशिंग देनी है, जैसे कि भाई यहाँ पे रात हमने छोड़ दिया था, अब जो यहाँ पे ये जगह छोड़ी थी क्योंकि ऊपर पैनल नहीं थे, तो पैनल यहाँ पे जाके ना वो बज रहा था, तो हमें पहले यहाँ पे लकड़ी का बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर हमारे पैनल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी हमने पैनल्स के जो कट पीस थे उनको यूज करेंगे हम ऐसे ऐसे छोटी जगह पे, जहाँ पे जैसे विंडो हो गई है और जगह हो गई, उन पे हम कट पीस यूज करेंगे। बाकी भाई आज हमारा रूफ का भी काम है, तो कोशिश ये करेंगे कि भाई जल्दी काम निमट जाए इसका। देखो मैं भी बहुत ज्यादा भर चुका हूँ, मुझे भी ऐसा है कि ट्रिप पे जाना है भाई, अब चाहे इसको लेके जाऊं चाहे गाड़ी लेके जाऊं, वो देखेंगे कौन से में जाएंगे जल्दी। ये जल्दी रेडी होगी तो इसको लेके जाएंगे गाड़ी, फिर गाड़ी, क्योंकि भाई मैं है ना लद्दाख गया हूं लास्ट यार, और वो भी जून में गया हूं, 4 महीने से मैं घर से नहीं निकला हूं, तो तुम लगा लो अंदाजा कैसा हाल हो रखा होगा इस टाइम मेरा। मैं भर चुका हूं, जो आदमी 10 दिन घर में रुकने के बाद ये सोचता था कि भाई कितने दिन हो गए मैं बाहर नहीं निकला, वो इंसान घर बैठा है वो कैसे रहेगा। राकेश भाई और राकेश भैया कम दिस साइड ब्रो। तो भाई जितने पैनल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब वो ही बड़ी बात है, चैलेंज आता जा रहा है, पैनल को सीधा लगाना डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हीटेक्स लगा रहा हूँ और हल्के हल्के बोल्ट मार दे रहा हूँ, उसके बाद नट निकाल दे रहा हूँ, फिर जब तक हीटेक्स अपना काम कर लेता है और हम उसको चिपका देते हैं, अगला पीस आएगा। 1 2 3 क्लस को भाई एक बड़ा पैनल लियो नया, टेढ़ा टेढ़ा जाकना माइंड कर अखनु पाड़ना हलारे कंट्रोल कर लखनु चीला वांगू नोचदा मैं पावे डेड बॉडिया पर जिन्ना जिस मादी भूखे नहीं हो इस अजुनु। हमने ना एसी वेंट लगाए हैं जो कि जैसे मैंने सोचा था वो वैसे ही लगे, बट थोड़ा सा गलत कट गया यार, मार्किंग जो थी वो मेरी गलत थी थोड़ी सी, वो मेरे हाथ में पेचकस लगे बहुत गंदा वाला। तो अभी मैं सिर्फ इसको टेम्परेरी लगा रहा हूँ, पैनल इतना चेंज कर देंगे हम, काट के इतना पैनल दूसरा लगा देंगे यहाँ पे। और बट हाँ ये एसी वेंट हम ऐसे ले रहे थे कि इसको हम कहीं से भी टर्न कर लेते यहाँ पे कहीं भी, और अगर बंद करना हो तो यहाँ से हम बंद भी कर पाए ऐसे। तो ये एसी वेंट अभी सीधा लग जाएगा, बाकी हम सिर्फ लगा के देख रहा था मैं खाली। और इधर का जो आगे का जो पैनल है वो अभी मैं लगाऊंगा, क्योंकि इससे आगे हमें ना पानी का काम करना है, तो पैनल इतने ही लगेंगे आज के, मतलब ऑलमोस्ट पीछे से पैनलों का काम कंप्लीट हो चुका है, रूफ रह गई है, वॉशरूम का काम सबसे लास्ट में होगा क्योंकि इसमें हमें वाटर प्रूफिंग सारी चीज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम सबसे लास्ट में जाएंगे वॉशरूम के लिए। चलो ठीक है, अभी तो आज के लिए रखता है इतना ही बस, और बाकी एक बार फाइनल काम दिखा दो भाई, मतलब फाइनल मैं आपसे वैसे आपको बताऊं फाइनल काम आपको समझ में नहीं आएगा, बस हमने पैनल फिट किए हैं रूफ में, जो पैनल फिट थे जो लगे रहे थे वो हटाए हैं।
भाई बाकी काम कर रहा था तो अभी फ्री होकर सोचा कैरवन में काम करूंगा, तो भाई लाइट चली गई है। बाकी आज ऑलमोस्ट आधा काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके साइड्स पैनल्स हो चुके हैं, समझ जो एसी वेंट्स थे वो गलत कट गए थे उनको भी सही करूंगा। बाकी ये पैनल्स तो फिक्स हो चुके, ये पैनल मंगा दिए। बाकी वॉशरूम का जो अंदर का था उसके पैनल्स हमारे पास कल आ जाएंगे, और जो अंदर की जो वाटर प्रूफिंग वाली चीज़ है वो हम कल वॉशरूम की कर देंगे, उसके बाद फिर हमारे पैनल्स अंदर वॉशरूम के रह जाएंगे। कल आज हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम लाइट लेने की सोच रहे थे, लाइट लेके आएंगे, बट सोच रहा हूँ स्विफ्ट को ले जाऊँ और जाके अभी लाइट ले आऊँ जाके मैं, क्योंकि रात में फिर लाइट का काम कर लेंगे। इसमें जितने भी लाइट लगने सारी लाइट लगा देते अभी, और लाइट लगा कर फिर इसमें जितनी भी LED जो स्ट्रिप जाएंगी हो जाएंगी। अब इसमें कुछ काम मेरे को ऐसा कराना पड़ेगा जो कि मेरे को बाहर से कराना पड़ेगा, जो है बाहर से मतलब बंदा लेके आना पड़ेगा, जो कि है इसके ड्रॉर, जो इसमें ड्रॉर बनेंगे या फिर वो जिसमें हम लगेज रखेंगे वो चीज़ मुझे बाहर से बनवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो मेरे को नहीं आती है। देखो जो चीज़ नहीं आती है वो नहीं आती भाई, अब मैं उसमें जबरदस्ती ख़राब करूँ बनाऊँ टेढ़ा बने वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी बंदे को बुला के कोई एक्सपर्ट को उससे मैं ड्रॉर बनवा लूँगा, किचन की ड्रॉर बनेंगी जो, और उसके उस तरफ जो हम जहाँ पे सोच रहे हैं हमारा लगेज एरिया आएगा वहाँ पे ड्रॉर बनवाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे हम ये चीज़ करा लेते हैं। बाकी जो काम मेरे से हो जाएगा वो मैं कर लूँगा, जो मेरे से नहीं होगा वो मैं भाई आउटसाइड से करवा लूँगा। ये तो है नहीं कि मैं बोल दूंगा कि नहीं ठान लूँगा भाई ये चीज़ तो मेरे से करनी है और वो मैं ख़राब करता जाऊँ, टाइम बढ़ता जाए, कोई सेंस नहीं इस बात का। तो भाई मोस्टली चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो इसमें अभी ना आपको ऐसा लुक नहीं आ रहा होगा, लुक तब आएगा जब इसके अंदर लाइट लग जाएगी, जब झमाधम हो जाएगी। तो भाई फिलहाल लाइट आ चुकी है, अपन आ चुके हैं वापस से बैक टू कैरावैन। और भाई ओए लाइट चली गई थी यार, ऐसा मतलब बेसिकली यहाँ से तारा ले अपन काम करने वाले हैं, तो मतलब इसमें जो पैनल्स का काम है छत का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, कल हम जाके लाइट लाएंगे और फिर वहीं से क्या करेंगे ड्रिल मशीन से काट के उतने में लाइट लगा देंगे, उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो बने रहिए हमारे को, तुम्हारा भाई ऐसे बना देगा मुझे पता है, भरोसा है, तुम्हें भी है मुझे भी है। बाकी ये पैनल्स हम इसमें छत में लगा देते हैं, मतलब अंदर का अंदरूनी काम इसका कंप्लीट कर देते हैं, कुछ पैनल्स टूट गए हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर सीधे सीधे पैनल लगाने हैं तो टाइम नहीं लगता, जैसे मान लो ये वॉल सीधी है, जहां पर जैसे टर्न आ जाता है ना वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब वो ये ना टर्न में घुमाना पैनल को जो टूटे ना और जो खराब ना जाए वो है सबसे बड़ा टास्क इसमें। एक तो लाइट ने ना इतने ज्यादा परेशान कर रखा है, अब लाइट आई थी और हमने कुछ पैनल तीन पैनल लगाए झटके से, जैसे वो वाली बात है फुर्ती आई काम करने की तभी हट गया। देखो आपको दिखाता हूँ, तीन पैनल ये हमने यहाँ पे लगा दिए, ये वाले पैनल तीन लगा दिए यहाँ पे। कैरावैन बनेगी तो सही, बट बहुत मेहनत लगी है कैरावैन बनने में, सही बताऊँ तो अब जाके समझ में आ रहा है कि कैरावैन बनाना आसान नहीं होता, और जबकि जब आपने चार चीज़ें, हाँ ये है कि अगर इसको मैं जैसे बना रहा हूँ तो अब मुझे ना जो जो चीज़ें मुझे खामियां मुझे दिख रही है या मुझे अब भी पता लग रहा है कि यार ये चीज़ें हो सकती है और भी चेंज हो सकती है और बढ़िया हो सकती थी या हम इसको ऐसे कर सकते थे, वो है कि नेक्स्ट जो भी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे। कोई नहीं, चलो कल इसके वार्डरोब कल मैं वो दे दूंगा, जो मैं बता रहा था आपको किचन की जो चीज़ें हैं वो ये किचन वाली चीज़ें, मैं लाइट आ जाए उसके बाद दिखाऊंगा। अभी लाइट आ जाए तो मैं आगे का और काम कंप्लीट कर लू, और उधर का जो परले वाले पैनल है और ये अंदर के पैनल है इनको भी फिक्स कर लू, और कल मैं जाके सामान ले आऊंगा इसका। फिर लाइट का काम करना है कल मेरे को, मैं सोच रहा था आज इसके रूफ को कंप्लीट कर लेता, फिर कल इसमें रूफ लाइट लगा के और वो लगा के बोलते हैं उसको LED स्ट्रिप लगा के अपना काम कंप्लीट कर देते, बट क्या हो ही नहीं पा रहा।